असल में स्नेह के वश और व्यक्तिगत लगाव के कारण अपने विनोद जी जब मेरे बारे में कुछ कहने लगते हैं तो बहुत देर तक सचमुच में मैं ये सोचता हूँ कि ये किसी और के संबंध में कह रहे हैं, क्योंकि वो गुण वो विशेषताएं जिनका ये उल्लेख करते हैं मैं जानता हूँ कि वो मेरे में नहीं। मैं सोचता हूँ किसी और का तआरफ़ करवा रहे हैं, करते करते आखिर पे मेरा नाम ले देते, तब मुझे थोड़ा होश आता है, सोचता हूँ कि ये सब कुछ ये मेरे संबंध में कह रहे हैं, निश्चित रूप से ये इनका अपना स्नेह है, भाव की प्रगाढ़ता है और निजीपन है। और जहाँ कहीं भी ये बातें होती हैं वहाँ पर स्वाय अच्छाइयों के और कुछ नज़र नहीं आता, कुछ भी हो जो कुछ भी हो अच्छा लगता है। प्रवचन का विषय जैसा निमंत्रण पत्र में भी लिखा गया, राधा भाव, तो इसी बात को ही लेकर थोड़ा चिंतन करते हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान में रख लें कि जो कुछ भी हम सोचने जा रहे हैं वो राधा भाव है, राधा रानी नहीं। राधा भाव, देखो एक भाव शब्द को अगर आप ठीक से समझ लें तो बहुत सारी उलझने आध्यात्मिक मार्ग की, भक्ति के मार्ग की बहुत सारी उलझने सुलझ जाती हैं। इस बात को आप और इस तरह से भी समझ लें कि मानसिक वृत्तियां, मन में उठने वाली विभिन्न वृत्तियां, मेंटल मॉड्यूलेशंस, जब वो प्रगाढ़ता को प्राप्त करते हैं तो उनको भाव कह लेते, उससे पहले उनको रुचि कहते हैं, लगाव कहते हैं, रुझान कहते हैं, भावना कहते हैं, भाव नहीं कहते, भाव एक अलग शब्द। क्रोध एक भाव है, इसीलिए कभी आपको ध्यान हो जब क्रोध में वो प्रगाढ़ता होती है, क्रोध में कहे गए शब्द आपके सदियों तक नहीं भूलते दूसरे को, क्योंकि वो भाव, भाव शब्द का अर्थ केवल सकारात्मक वृत्ति ही नहीं है कि आप समझिए कि भाव का अर्थ पॉजिटिव ही है कि वो बड़ा भावुक है, बहुत भाव में है। क्रोध भी एक भाव है, क्रोध एक वृत्ति है जिसको पूरी प्रगाढ़ता से अपने पूरे वजूद से जब आप कहते हैं तो वो भाव द्वारा अभिव्यक्त है क्रोध। इसलिए क्रोध में कहे गए शब्द
मरते दम तक भूलते नहीं किसी को कि उसने ये कहा था। और प्यार में कहे गए शब्द कितने भी रोज कहो, लगता है झूठ बोल रहा है, ध्यान ही नहीं रहता उसका, क्योंकि उसमें भाव नहीं है। अगर आप इस बात को थोड़ा समझ सकें जो मैं कहना चाहता हूँ, तो निश्चित रूप से हमारा साधना का पथ सुगम हो जाएगा, क्योंकि भाव से कही हुई शब्द, भाव से कही गई बात, दोबारा जैसे गाली एक बार दे दी तो बार बार ज़रूरत नहीं है। उम्र भर मुआफ़ियाँ मांगते रहो आप दूसरे से कि ये हो गया, लेकिन ना वो मन से भूल सकता है और ना ही आप भूल पाओगे कि मैंने ऐसा किया था। ये भाव की स्थिति है, भाव में की गई अभिव्यक्ति। जैसे भाव में की गई अभिव्यक्ति क्रोध की है, ऐसे प्यार की भी होती है। ऐसा नहीं है कि क्रोध ही भावों में अभिव्यक्त होता है। जहाँ जहाँ आप कहानियाँ पढ़ते हैं ऐसी कि एक ही आवाज़ पर घनश्याम वहाँ खड़े हो गए, जहाँ जिसने पुकारा वहीं नज़र आ गए, मीरा ने जिधर नज़र उठाई वहीं सामने खड़ा था, उसे ढूंढना नहीं पड़ा। तो भाव, राधा एक भाव है, जैसे क्रोध एक भाव है, लोभ एक भाव है। क्रोध की भी फोटो बनाई जा सकती है और बनी हुई है। कोई पेंटर हो, कोई अच्छा सा कलाकार हो, वो क्रोध की पेंटिंग बना देगा। आप पुराणों की कथाएं पढ़ते हैं, आपने कई पुराण भी देखे होंगे, उनमें नरकों की फ़ोटो बनी हुई कि ये अमुक वाला नरक है, ये अमुक वाला नरक है, नरकों के नाम हैं साथ में फ़ोटो हैं। तो पेंटर ने फ़ोटोएँ बना दी। जैसे क्रोध की फ़ोटो बन सकती है, जैसे उसकी फ़ोटो बन सकती है, जैसे और फ़ोटो बन सकती है, ऐसी किसी भी भाव की फ़ोटो बन सकती है, ऐसे राधा भाव की भी फ़ोटो बन सकती। थोड़ा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि इतनी जिनकी राधा में आस्था हो, मेरी भी है, लेकिन ठीक बने हमारी आस्था, उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ। क्रोध की भी फ़ोटो बन सकती, लेकिन हम उस फोटो से चिपके रहें, भाव पैदा ही ना हो। लोभ की भी फ़ोटो बन सकती है और बड़ी लुभावनी। मोह की फ़ोटो बन सकती है इतनी सुंदर कि आप सबको खींच लें, क्योंकि मोह है ही एक ऐसा भाव। लेकिन भाव पर ना जाकर अगर फोटो पर अटक गए तो हम चूक गए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। क्योंकि प्रत्येक भाव का अभिप्राय कहीं ना कहीं पहुँचना है। भाव अपने आप में किसी अर्थ का नहीं है। खाली क्रोध किस लिए, क्यों, किसी ना किसी के प्रति होता है और किसी ना किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए होता है, या स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तब होता है, कोई ना कोई बात तो होगी। खाली बैठे बिठाए क्रोध ऐसा होता नहीं, कोई भी भाव ऐसे नहीं होता। हर भाव किसी ना किसी के प्रति और उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। ऐसे ही राधा का शब्द अर्थ अगर आप करें तो राधा का अर्थ होता है आराधना। ये सभी इस बात को आम बात है, जहाँ कहीं भी देखेंगे हम उसके दूसरे अर्थ भी लेंगे, क्योंकि किसी भी शब्द का कोई एक ही अर्थ नहीं होता, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, जिनको हम सांप्रदायिक अर्थ बोलते हैं, वाच्यार्थ बोलते हैं, लक्ष्यार्थ बोलते हैं, अर्थ तरह तरह के हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर
राधा का अर्थ आराधना, आराधना का भाव हमारे मन में जागृत हो। एक बात और यहाँ पर स्पष्ट कर लें भाव के संबंध में, कि साधक के जीवन में भाव एक वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जो उसको बहुत जल्दी अपने गंतव्य तक पहुँचा देती, जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ पहुँचा देती। अगर आज के विज्ञान को या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बात करें तो आप ये समझो कि जो हम बोलते हैं, जैसे मैं शब्द बोल रहा हूँ, मेरे शब्द या किसी के भी जो बोलेगा, एक सेकंड में 1086 फुट जाते हैं दूर। आप यहाँ बैठ के बोलें वो शब्द 1086 फुट दूर जाएंगे। 1086 फुट की दूरी पर कोई बैठा हो, मैं यहाँ बोलूँगा, एक सेकंड में उस तक ये बात पहुँचेगी। ये शब्द की स्पीड है, लेकिन इन्हीं शब्दों को अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से बोलें, बिजली का सहारा लेकर बोलें, जिनको आजकल आप इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ कहो, या दूसरे शब्दों में ये कहो कि इन्हीं शब्दों को अगर टीवी पर बैठ के बोलें, रेडियो पर बैठ के बोलें, तो ये एक सेकंड में 10,086 मील एक सेकंड में चले जाते, मील चले जाएं, अर्थात दुनिया भर में एक सेकंड में वो शब्द पहुँचे। यहाँ बैठ के बोले और उसी समय एक सेकंड में, डेढ़ सेकंड में अमेरिका से भी आगे निकल जाए, कोई भी कहीं भी बैठा हुआ सुन ले। जिसको हम भाव कहते हैं वो असल में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। जब हम प्यार के शब्द, प्रार्थना के शब्द, ईश्वर से की गई प्रार्थना जब भाव से करेंगे तो वो तुरंत जाकर उसको झंझोड़ के रख देते, वो रुक नहीं सकता। अगर उन शब्दों को राधा भाव से कहा तो खाली भाव से नहीं, ये बात एक ध्यान में रख, जैसे क्रोध भाव से कहोगे तो वो असर हुआ, वहां हो उस भाव से कहा तो वो असर हुआ। आराधना के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में जब उसे राधा भाव से कहोगे, राधा एक विशेष भाव है अपनी व्यथा को उस तक पहुंचाने का। आप और मोटे शब्दों में ऐसा समझ लें कि गंतव्य हमारा, प्राप्तव्य हमारा, कैसे भी हो, किसी भी तरह से हो, प्राप्ति कृष्ण की ही करनी है, पहुंचना कृष्ण तक ही। कृष्ण को अगर हम दार्शनिक भाषा में कहें तो सत कहते हैं, जैसे सत्य चित आनंद। और राधा को आराधना की भाषा में कहें तो प्रेम कहते हैं, प्यार। प्रेम के माध्यम से सत्य की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति तो फिलॉसफी के माध्यम से भी होती है, लॉजिक के माध्यम से भी होती है, तर्क वितर्क से भी होती है, कि सत्य का निर्णय करना है तो तर्क वितर्क बहस बुद्धि के माध्यम से भी सत्य तक पहुंच सकते हैं। उनको दार्शनिक कहते हैं, उनको फिलॉसफर कहते हैं। केवल भावना के माध्यम से भी सत्य तक पहुंच सकते हैं, उनको कवि कहते हैं। लेकिन भाव के माध्यम से जो सत तक पहुंचते हैं उनको आध्यात्मिक या संत या ऋषि कहते हैं, और राधा भाव से जो सत्य तक पहुंचते हैं उनको रसिक कहते हैं। मैं नहीं जानता कहां तक
मैं अपनी बात समझाने में सक्षम हूँ, लेकिन अगर आपका आध्यात्मिक रुझान है तो आप इस बात को थोड़ा पकड़ सकते हैं। क्योंकि आम तौर पर आराधना के क्षेत्र में बने बनाए रटे रटाए एक ढंग है कि आप ऐसा कर लेना, आप ये मंत्र कर लेना, आप इसकी ऐसे पूजा कर लेना, फिर ऐसे विसर्जन करना, ऐसे आरती करना, ऐसे भोग लगाना, फिर ये हो जाएगा, ऐसे श्रृंगार कर लेना राधा जी का, ऐसे उनका कर लेना, ठीक हो जाएगा, ऐसे प्रसाद बांट देना, ऐसे उत्सव मना लेना, ये एक बने बनाए ढंग है और हर व्यक्ति को वो अच्छे भी लगते हैं, आसान है, उसमें करना कराना कुछ नहीं पड़ता, उनमें कोई ज़्यादा बात नहीं लगती क्योंकि उसमें अंदर से कुछ हिलता नहीं है। हर मुसाफिर को है महफूज रास्तों की तलाश, इस रवायत को छोड़ दो तो मेरे साथ चलो। अगर बने बनाए रटे रटाए बातों को आप छोड़ सकते तो शायद हम मिलकर वो यात्रा करें कि राधा भाव जागृत हो हमारे हृदय। देखो ये कहना भावना है, भावना और भाव में अंतर कह रहा हूं। भावना में आके अच्छा लगता है, भावनाएं भी अच्छी होती हैं, किसी की प्रशंसा करना, किसी की सुंदरता की प्रशंसा करना, किसी की आँखों के बालों की, नाखून की, बांसुरी की, उसमें प्रशंसा करना, ये भावना। और उस भावना में आकर ये भी कह देना कि मोहन की एक मुस्कान पर मैं 14 भुवन वार दूँ, ब्रह्मा जी को वार दूँ, विष्णु महेश गणेश जितने देवी देवता हैं उनको एक कृष्ण की मुस्कान पर वार दूँ। लेकिन अगर ये कहना पड़ जाए कि मैं अपनी दुकान, अपना मकान, अपना बेटा तेरी मुस्कान पर वारने को तैयार हूँ तो होश आ जाए, क्योंकि वो भाव की दुनिया है, ये भावना की, इसमें जाता कुछ नहीं। ब्रह्मा विष्णु में सारे वार दो पैसे नहीं गए आपके, बात भाव की है, भावना की नहीं। भावनाएं अच्छी हैं सांसारिक जीवन जीने के लिए, सांसारिक जीवन में प्यास बनी रहेगी, बुझेगी नहीं, तृप्ति तो होगी, भावनाएं तृप्ति करती हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनका कोई महत्व नहीं। भावनाओं से भाव की ओर ये हमारी यात्रा है, भावनाओं में तो हम हैं ही, इसलिए कई तो भावनाओं से भी करोड़ों मील पीछे। देखो अगर भावनाओं की भी बात करें तो जिसको हम भावना कहते हैं इससे पहले 6 सीढ़ियाँ जहाँ से आगे चढ़ते हुए 6ठे नंबर पर भावना आती। आपने सुना होगा जो भी थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे कि 5वें भूले देह सुध 6ठे भावना रास की। पता नहीं आपने रसकों के किसी साहित्य को पढ़ा है या नहीं, जब रास का प्रसंग आता है तो उसके लिए ये बात कही गई कि इससे पहले पहले ये करें, प्रथम सुने बाभौत भगत मुख भगवत वाणी, यहाँ से ये शुरू होता है। फिर नव भक्ति व्यास बखानी, उसको जीवन में उतारे। फिर तीसरे करे गुरु समझ सर्वज्ञ रोसीला, और फिर चौथे घर बार छोड़ के, मतलब घर बार का मतलब दुनिया से लगाव छोड़ते हुए वनराज एकांत में थोड़ी देर वास करें। 5वें भूले देह सुध 6ठे भावना रास,
जब देहाध्यास से ऊपर उठ जाए व्यक्ति, साधना करते करते, आराधना करते करते, देहाध्यास का मतलब है खाना पीना रहना, इन बातों से लगाओ अपने, जिसको हम स्वार्थ कह सकते हैं, या आप संक्षेप में एक ही बात कह सकते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम, ये जो वृत्तियां हैं चार, इनसे जब ऊपर उठ जाए, इनकी ज़रूरत तो रहेगी, आहार तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, लेकिन सारा दिन उसी में ही बीत जाए कि रोटी कमाने के लिए लगे हुए कहीं ना। देखो ये जितनी वृत्तियां हैं, अगर ये प्राकृत हैं तो प्रकृति ने इनको पूरा करना ही है, चाहे कुछ कर, ये काम प्रकृति का। जो वृत्ति प्रकृति की है, अगर आहार निद्रा आदि प्राकृतिक वृत्तियां हैं, तो आहार का प्रबंध तो प्रकृति करेगी। आप बैठे रहो, कहीं भी बैठे रहो, कोई ना कोई देने वहीं पहुंचेगा कि ये खा लो आप, और ऐसा जीवन में अनेक बार देखा, आजमाया है, पहले नहीं था इसका, लेकिन सचमुच में इस बात को देख लिया कि जहां मर्जी पहुंचो, क्योंकि कहीं भी जाओ, एक बात आप ये भी ध्यान में रख लेना कि ये शरीर पांच भूतों से बना हुआ है, ये आप हर रोज कहते, और हमारे शास्त्र भी कहते हैं, आप भी इस बात को जानते हो और मानते कि ये शरीर पंचभूतों का है। ये शरीर ही नहीं, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाती है, जो कुछ भी आपको नज़र आता है, वो सबका सब पंच भौतिक है, वो सबका सब मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश से ही बना हुआ। इस शरीर सहित जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो सामने हमें कपड़ा नज़र आ रहा हो, दीवार नज़र आ रही हो, कैमरा, जो भी आपको नज़र आएगा, ये पंच भौतिक है, इनके अतिरिक्त पंचभूतों के अतिरिक्त कुछ है नहीं। इसलिए जहाँ कहीं भी जाओगे, पंचभूत तो वहाँ रहेंगे ही, और ये परिवर्तनशील हैं, बदलने वाले हैं, इनकी शक्ल एक जैसी रहती नहीं, इनकी अपनी प्रकृति है, एक इनका अपना एक स्वभाव है, बनना बड़े होना रहना और मिट जाना। जो भी पंचभौतिक चीज़ें हैं वो ऐसे चलती रहें, इसको बढ़ने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो प्रकृति स्वयं पैदा करती है। अगर हमें आहार चाहिए तो वो प्रकृति देगी, अगर हमें इस बात पर विश्वास हो जाए कि ये प्रकृति का है तो ये प्रकृति ही करेगी। जो लोग भी गीता आदि में थोड़ा रुचि रखते हैं या पढ़ते हैं कभी ना कभी, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। गीता का 7वां अध्याय इस बात की बहुत विशद व्याख्या है। व्याख्या का मतलब श्लोक तो वही हैं जो आम हैं, लेकिन उनको जितना जितना हम सोचें, जितना जितना उनकी तरफ बढ़ें, उतना उतना पता लगता जाता है दुनिया का कि ये संसार की कोई बात है नहीं, ये चीज़।